हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और क्या बोलते हैं, अपना सो के तो खड़े हो गए और मैं उधर इसलिए नहीं सोया, वो दो लोग सुबह सुबह आके सो गए थे, तो मैं ये वाली दूसरे की जुग्गी में आ गया। मैंने कि वो रात में मशीन चलाया तो मैंने उनको सोना था, मेरे को तो वैसे ही नींद नहीं आ रहा था, खाली टाइम पास ब्लॉग एडिट कर रहा था पड़ा पड़ा। और अब तो धूप आ गई, इसमें भी गर्मी लगने लगी। और ब्लॉक लगा दिया अपलोडिंग के लिए, और तो मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे तक होगा, क्योंकि इधर नेट स्पीड उतना बहुत स्लो है। फेसबुक पे भी वीडियो कोई वगैरह यूट्यूब पे चलाना पड़े तो पहले जैसे 2G का जो चलता था नेट, वो स्पीड आ रहा है इधर। और आज तो मैं TM वालों की झुग्गी में पड़ा हूँ यार, अपनी तो उधर है, वो लोग सो रहे हैं दोनों, देखते हैं खड़े हुए हैं कि नहीं अभी तक। और मेरे ख्याल से वो तो 2-3 बजे से पहले खड़े भी नहीं होंगे। मैं चलाया था ऐसा 10-11 बजे तक, रुका था साइड पे, उसके बाद भाग आया था मुझे। और देखो एक हेल्पर आ जाए तो थोड़ा सा आराम होगा। मैं भी वरंगल निकलने का सोच रहा हूँ, यहाँ पे यार पूरा कलर ही चेंज हो गया, दिख रहा है पूरा शक्ल का कलर चेंज हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत है इधर और धूप में। और ऑफिस पे एक काम है तो कर रहे हैं, और वो भी सुबह शाम कर रहे हैं, बाकी अपने रूम में पड़े हैं कूलर की हवा में, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच जाता है, और यहाँ पे तो पूरे पागल हो रखे हैं। कहाँ चल रही है लोग बैग ले लेके, बाकी शेरनी सामने ही खड़ी है, PM खड़ा सामने, शेरनी के बाजू में दूसरी शेरनी खड़ी है, देखो दिख जाए, वो खड़ी है सामने दूसरी भी शेरनी। मैं तो TM वाले के रूम में पड़ा है, देखता हूँ ये लोग खड़े हुए कि नहीं हुए, और सोच रहा हूँ नहा धो लूँ, और तो कोई काम है नहीं है, बस नहाने का ही काम बचा है। लड़की हवा में पड़े हैं यहाँ, कोई मतलब ही नहीं है, मस्त एकदम मजे में पड़े हुए हैं दोनों। और मैं तो यही इन्हीं की झुग्गी में सोता हूँ, क्या अभी उधर जाके सोएगा तो उनको डिस्टर्ब होगा, नींद खुल जाएगा, इसकी वजह से मैंने यार अपने इधर ही सो लो जब तक, हमारे चक्कर में वो लोग जग जाएंगे, क्योंकि उनको तो रात भर मशीन चलाना है, मेरे को तो खाली पीली पड़ा रहना है। ऐसे जाने को तो मैं उधर रूम में भी जा सकता है, मगर थोड़ा सा ब्लॉक एडिट वगैरह कर रहा था उधर, बहुत काफ़ी लोग सो रहे हैं, इसकी वजह से फिर मैं ठीक है पहले ब्लॉक एडिट कर लेता हूँ उसके बाद जाऊँगा बोल के सोचा। और चलो क्या बोलते हैं, निकलते हैं यहाँ से सीधा, वही रूम में सोता हूँ यार, इधर तो बहुत गर्मी होने लगा, धूप आ गया ना अब तो बहुत तेज इसकी वजह से, ठीक है। और ब्लॉग भी 70% तक अपलोड हो गया, और मेरे ख्याल से 1-2 घंटे और लगेंगे, सोच रहा हूँ नहाता हूँ फटाफट, और 1:15 हो गए, सो लिया था यार रात, 1 घंटे नींद लगी, मगर गर्मी की वजह से मैं तो नहीं सो पाया ज़्यादा, और सोच रहा हूँ नहा लूँ फटाफट, नहा के थोड़ा सा काम वाम देखता हूँ, क्योंकि ये रो लोग रात में चलाया गाड़ी, देखता हूँ कुछ लीकेज वीकेज कुछ किया हो तो एक बार पूरा चेक कर लेता हूँ। गाड़ी को रात को बोनट उठाया लगाया था, फिर निकाल दिया यार ये लोग, बाकी तो गाड़ी की तो सर्विसिंग करके लाया पूरा धो के, आज तो रात में ही सुबह धो के, क्योंकि 8 बजे बंद हुई थी सुबह, तो रात में ही धो के बंद किया है। चलो क्या बोलते हैं, गाड़ी तो फिर यार इसका कांच पूरा का पूरा ही फूट गया लाइट का, और तो आज कहाँ साफ करवाने पड़ेंगे यार, सेक्शन पाइप क्यों उठा लाया ये लोग आज, सेक्शन पाइप टंकी भी पड़ा रहता था उठा ही लाया, आज का पेटी भी धो दी है यार, क्या बेंच पूरी चमक मार रही है पेटी, तो दो भी पेटी मुंह घुमा दिया अंदर को, अच्छा ये धोया ना इसकी वजह से, धोने के टाइम पे इसको निकाला होगा इसकी वजह से दिख रहा है ऐसा, अभी मैं समझू मर मशीन तो नहीं धो दिया, पता लगे पूरा पानी वानी चला। चलो नहाता हूँ फटाफट, उसके बाद सीधा बिल्कुल ओके, तो मस्त रेडी हो गए और उस तरह लगे खुट्टी खुट कर पे, और गाड़ी को होगा आज टायर पंचर से, टायर पड़ोस हवा निकल रही थी हल्की फुल्की, पंचर उतना से निकल रही थी, उनकी आज चेंज कर, रात में दिक्कत करेगा तो मुश्किल होगा। और जा रहे हैं अभी थोड़ा सा दूध लेने के लिए, हो जाए एक्सपेंसिंग स्टार्ट, कल ख़राब होगी आप जो भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, बुरा हो रही है, और टायर चेंज होगा, और आओ साइन कर रहा हूँ, अरे यार मैं मोटरसाइकिल पर सचिन साइन कर दी डीजल के, और डीजल होगा फुल, और डीजल टैंक को ढक्कन भी लगा दे, डीजल टैंक को ढक्कन नहीं लगाओ मैंने, डीजल टैंक को ढक्कन लगा दे, आज तो देख ऊपर तक दिखा रही है टंकी, सही फुल कर दी, वो हमारी अभी तक साफ भी नहीं, तो पूरी भरी रही, चलो लेके आता हूँ, चलता हूँ सीधा, ठीक है।
सामान वामान लेके तो आ गए और गाड़ी चालू कर रहे हैं। आज टाइम भी हो गया, काफ़ी अंधेरा हो ही गया और आज क्या चाल कम है इसकी वजह से आज बोला नहीं, नहीं तो शाम के 6 बजे ही चालू हो जाती थी। और बाकी तो टायर पंचर हो गया, बस वही डर लग रहा है, वो भी टायर अच्छा नहीं, रात में ये भी पंचर ना हो जाए कहीं, बस टेंशन हो जाएगा गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाएगा। और कल बनवा के ला रहे हैं। रीडिंग बुक अपनी अपनी संज्ञा रखो यार, वास्तव में यार तुम लोग चढ़ाओ अपनी, मैं रोज़ रोज़ नहीं लिखेंगे भाई। और TM तो बहुत चालू है क्या, चल चालू कर सचिन, बाहर बिस्तर के नीचे रखी है TM तो बहुत चालू हो गए, चल तुम भी कर चालू। और निकल रहे हैं फटाफट, जाको बोनट चढ़ा सबसे पहले जाके और फिल्टर साफ कर ले। चल मैं भी जाता हूँ साइड पे, देखता हूँ कितना क्या, वैसे तो मेरे ख्याल से खूब होगा, तो आज 1-2 बजे तक ही चलेगा, ज़्यादा काम भी नहीं है। ठीक है, और जब कूलर है चलन दो यार, पानी ठंडो है, जाओ कूलर में है। चालू, एक गाड़ी आ रही है वो सामू पानी पकड़ के, और एक जा रही है पानी भरने के काज है। और देखो आज मेरे ख्याल से 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, प्लांट भी चलेगा और मशीन भी चलेंगी दोनों, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखता हूँ कितना चाल है, मैं तो देखा भी नहीं। अरे आज सही जुगाड़ करवा लो, जाको आ रहा हूँ मैं भी, देखता हूँ यार कितना चाल है आज इधर का। तो बोला अरे आधे से भी कम है, आज तो जल्दी बंद हो जाएगा क्योंकि उधर भी सेटिंग नहीं लगा है। आज यार क्यूरिंग कर दिया इधर, बहुत अच्छा रहा पूरा, क्योंकि धूल उड़ती है। ये है इधर का तो पुल भरा हुआ है, खाली वो कार्नर कार्नर में जो सेटरिंग दिख रहा है वही है बस खाली उतना। बाकी आ गई मशीन सीमेंट पर, सीमेंट को भी गट लग रहा हो, मशीन तो चल रही है साइड पे। और अपना आ गया रूम पे, सोच रहा हूँ आराम से सो जाता हूँ क्योंकि आज ज़्यादा काम भी नहीं, वो लोग तो चलाते रहेंगे। और खूब जाएगा तो मेरे ख्याल से 4 ट्रिप मशीन का जाएगा और 5 ट्रिप ज़्यादा से ज़्यादा उसका TM का जाएगा, क्योंकि इसका मैं क्या इतना सोच रहा हूँ TM का क्या है, थोड़ा सा फास्ट जाता है माल, क्योंकि उसको क्या RMC बना के देता है, उसको पानी सीमेंट गिट्टी सब एक ही जगह पर मिल जाता है तो वो जल्दी रेडी हो जाता है। आज को थोड़ा टाइम, क्योंकि पहले आके पानी पकड़ना, पानी से कम 70 मीटर जाके सीमेंट लेना, सीमेंट से 70 मीटर 50 मीटर जाके 40 लेना, 40 से 50 मीटर जाके फिर दूसरी जगह से डस्ट लेना क्रेशर प्लांट से, क्रेशर से डस्ट उठा के फिर रिटर्न आना, फिर 20 लेना, फिर 10 लेना, उसके बाद क्या बोलते हैं कम से कम नहीं तो अपना 200 मीटर साइड पे फिर जाना। इसके लिए फ्लोरी से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर क्रेशर से TM का थोड़ा सा फायदा ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से 5 ट्रिप TM का जाएगा और 4 ट्रिप अपना इसका अजय का जाएगा, तो मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक बंद हो जाएगा। और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था यार, क्या नेट स्लो था, कितना मैं 2 बजे को देखा था तो 92% था, और 4 बजे को देख रहा हूँ तो 98% था, 2 घंटे में खाली 5-6% हुआ था अपलोडिंग, 4 या 4:30 बजे तक हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था, जबकि मैंने 11:30 12 बजे मैंने अपलोडिंग पे लगाया था ब्लॉग, जब जाके 5 घंटे में ब्लॉग अपलोड हुआ है, सोचो इतना स्पीड है यहाँ पे नेट का। चलो एंड करता हूँ ये ब्लॉग यहीं पे, ठीक है।